स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन एज यू नो अ प्रोग्राम कोड इज एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन आप जानते हैं कि प्रोग्राम का कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है हाव एवर वी कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट आप जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो प्रोग्राम में हम कंडिशनल और लुपिंग स्टेटमेंट से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो देखिए कंडिशनल स्टेटमेंट व्हेन अ अकंडिशनल स्टेटमेंट इज अप्लाइड द कंप्यूटर चेक्स द कंडीशन कंडीशन एंड डिसाइड वेदर द कोड इज शुड बी एग्जीक्यूट और नॉट जब आप कंडिशनल uh, स्टेटमेंट जब आप अप्लाई करते हैं तो जो कंप्यूटर है वो कंडीशन को चेक करते हैं चेक करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो कोड है वो एक्जीक्यूट करना है या फिर नहीं करना है ठीक है अब देखिए इफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन कमांड ये जो पूरा कमांड है उसको इफ स्टेटमेंट है वो एक्जीक्यूट करने से कर करते समय वो कंट्रोलिंग करता है if the condition is true the command is execute if the condition is false the command is not execute जब आप if statement का use करते हैं तब उसकी condition है तो वो true होती है तो ही वो execute होता है अगर उसकी condition false हो जाती है तो वो condition है वो आ, execute नहीं होती है नेक्स्ट द जनरल फॉर्मेट इज उसका इफ का इफ कंडीशन है उसका जनरल फॉर्मेट क्या है तो इफ कंडीशन और इन ब्रैकेट कमांड द कोड रिटर्न स्क्वायर ब्रैकेट इज इफ द कंडीशन इज ट्रू स्क्वायर ब्रैकेट में जो होती है वो कंडीशन इफ कंडीशन इज ट्रू द तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट होती है सपोज अलसन पब्लिक स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ कंप्यूटर साइंस टैलेंट कॉम्पिटिशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एज लेस देन टवेल्व ईयरस वो ट्वेल्व ईय सेन जो लेस देन होगी वो ये जो एल्सन पब्लिक स्कूल है उसने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया है कम्प्यूटर साइंस टैलेंट के बारे में तो स्टूडेंट की एज क्या है तो लेस देन टवेल्व ईयर्स ठीक है लेट अस क्रिएट अ प्रोसीजर विथ विच विल टेल स्टूडेंट्स वेदर दे आर एलिजिबल टू एंटर द कॉम्पिटिशन कौन से जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल हो गए कि वो कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हैं तो देखिए टू पी आर ओ जी प्रोग वन प्रोग वन है वो प्रोसीजर नेम है मेक एज फर्स्ट क्वेश्चन यूज़र इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर इफ कॉलन साइन एज लेस देन टिंट वेलकम ये जो प्रिंट और ये जो वेलकम यू आर एलिजिबल टू एंटर द कॉम्पिटिशन वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि वो एग्जीक्यू जो कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये मैसेज आपको प्रिंट होकर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ठीक है एक्सप्लेन द सेकेंड लाइन मेक द इनपुट डायलॉग बॉक्स अपीयर आस्किंग यू टू एंटर योर एज यहाँ पे जो सेकेंड लाइन लिखी हुई है एज फर्स्ट क्वेश्चन बॉक्स यूजर इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो एंटर द फर्स्ट नंबर है उसमें आपको क्या प्रिंट करना है तो जो स्टूडेंट की एज है वो आपको एंटर करनी है ठीक है ऐसा मैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है एंटर योर एज एंड क्लिक ओके जब आप इनपुट uh, बॉक्स में एज एंटर करेंगे उसके बाद ओके okay बटन पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू एंटर इज स्टोर इन द वेरिएबल एज यहाँ पे जो एज का वेरिएबल है उसमें यह वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी द थर्ड लाइन मेक द कंप्यूटर टेस्ट वेदर द एज एंटर इज लेस देन ट्वेल्व जो थर्ड कंडीशन uh, है थर्ड लाइन है वो क्या करता है वो इफ की कंडीशन अप्लाई करता है वो उससे पता चलता है कि वो कंप्यूटर टेस्ट करता है कि जो इनपुट uh, बॉक्स में uh, जो हमने नंबर एंटर किया है वो नंबर लेस देन ट्वेल्व का है तो वो uh, तो ए लिखा है इफ़ ट्रू द कोड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज एक्सक्यूट जो वो कंडीशन टू हो जाएगी तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैसेज लिखा हुआ है वो आपको एग्जीक्यूट होता दिखाई देखा जैसे ए, क्या लिखा है तो वेलकम यू आर एलिजिबल टू एंटर द कॉम्पिटिशन ठीक है इफ़ फॉल्स द कोड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज़ नॉट एक्जीक्यूट अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट uh, नहीं होगा रन द प्रोग्राम बाय टाइपिंग पी आर ओ जी वन यहाँ जो हमने प्रोसीजर का नाम रखा हुआ है पी आर ओ जी वन उससे आपको रन करना है इन द इनपुट बॉक्स आप इनपुट बॉक्स में लिखेंगे एंटर द एज इलेवन इन द इनपुट डायलॉग बॉक्स जब आप यहाँ पर देखिए फिगर थ्री पॉइंट नाइनटीन में इनपुट बॉक्स में हमने इलेवन टाइप किया है उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे दिस रिजल्ट इन द ट्रू यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती हो गई है इसलिए दर फॉर इट प्रिंट्स द मैसेज वेलकम यू आर एलिजिबल टू एंटर द कॉम्पटिशन इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स जब आप आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है तो आपको एक यहाँ पे जो मैसेज लिखा हुआ है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा वेलकम यू आर एलिजिबल टू एंटर द कॉम्पिटिशन क्यों क्योंकि क्यों यहाँ पे हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो गई है वो इलेवन है वो लेस देन ट्वेल्थ का है ट्वेल्थ से है इसलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थ्री पॉइंट ट्वेंटीन में फिगर में आपको दिखाई देगा पी आर ओ जी वन प्रोसीजर का नेम लिखा हुआ है वो और वेलकम यू आर एलिजिबल टू एंटर द कंपटीशन वो मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ठीक है अब देखिए इफ एल स्टेटमेंट इन द कोड अबउ इफ़ यू एंटर से फिफ्टीन एज द एज देन नो मैसेज विल अपीयर जब फॉर एग्जाम्पल हमने फिफ्टीन टाइप किया होगा तो वो आपको कोई मैसेज है वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा इफ यू आर इफ यू वांट टू मैसेज टू अपीयर इवन इफ यू एंटर एन एज अबाउ इलेवन ईर्स देन यू कैन देन यू कैन यूज़ ई फेल स्टेटमेंट जब आपकी कंडीशन फोल्स होती है तो जो आप उसी उसी समय भी आप कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको ई फेल स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा देखिए उसका जनरल फॉर्मेट क्या है तो ई फेल्स कंडीशन कमांड ईफ कंडीशन इज ट्रू आपको फर्स्ट में क्या लिखना है तो जो आप की कंडीशन ट्रू हो वो कमांड आपको लिखना है नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है कमांड इफ कंडीशन इज फॉल्स ठीक है अब देखिए एग्जांपल में टू पी आर ओ जी वन मेक एज एज नाम का वेरिएबल है वो आपने आ, यहाँ पे एलोकेट किया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन बॉक्स यूजर इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर है वो आपको इनपुट बॉक्स में आपको एंटर करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे यूज़र इनपुट है इसलिए ठीक है अब देखिए इफ़ एल्स यहाँ पे एज का वेरिएबल है वो उसकी कंडीशन क्या है तो लेस देन टवेल्व यहाँ पे हमें ट्वेल्थ ट्वेल्व से कम होगी तो कंडीशन ट्रू होगी अदरवाइज कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी अगर ट्रू होगी तो आपको ये मैसेज प्रिंट होगा वेलकम यू आर एलिजिबल टू एंटर द कॉम्पिटिशन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी आपको एक मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा वो कौन सा है तो सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर द कॉम्पिटिशन और हमारी प्रोसीजर है वो एंड हो जाएगी एक्सप्लेनेशन देखिए रन द प्रोसीजर बाय टाइपिंग पी आर ओ जी वन यहाँ हमारी प्रोसीजर का नेम है वो जब हम प्रोसीजर को रन करेंगे तब इन द इनपुट टेक्स्ट बॉक्स एंटर द एज फिफ्टीन इन द इनपुट डायलॉग बॉक्स फिगर थ्री पॉइंट ट्वेंटी वन में देखिए अब हमने एंटर किया है फिफ्टीन नंबर ठीक है दिस रिजल्ट इन द कंडीशन बिंग फॉल्स यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी क्यों यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी तो लेस देन टवेल्व ट्वेल्व से कम एज वाले स्टूडेंट को ही हमें लेना है वो ही एलिजिबल हो गए यहाँ पर तो हमने फिफ्टीन टाइप किए हैं तो इसलिए कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी हैव एवर इन दिस केस यू विल गेट द मैसेज सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर द कॉम्पिटिशन इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स यहाँ पर देखिए फिगर थ्री पॉइंट ट्वेंटी टू में आपको ऐसा मैसेज टाइप होगा कि सॉरी यू यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर द कॉम्पिटिशन ठीक है अगर फॉल्स हो जाएगी तो